हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा जो एग्राम 312 में जो हमारा टॉपिक है वह है इल्ड मॉनिटरिंग, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन यानी फसल भेदभाव, यानी जिस प्रकार से हमने फसल में जो विभिन्नताएँ पाई जाती है उनके बारे में जानकारी किस तरीके से होती है, यानी किस क्षेत्र में कौन सी वहाँ पर वनस्पति है, कुछ क्षेत्र में कौन से वहाँ पर प्लांट्स लगाए वगैरह, यहाँ पर जो क्षेत्र है वहाँ पर फसलें हैं या फिर वहाँ पर खाली जगह हैं, इस जो सब चीज़ों की जानकारी है वह क्या हमने क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन में पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे इल्ड मॉनिटरिंग यानी उपज मानचित्रण। उपज मानचित्रण यानी कि उपज का एक मैप आधारित जानकारी रखना, इसे भी कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं कि उपज के बारे में पूर्वानुमान लगाना या उपज के संबंधित जितनी प्रक्रियाएँ होती हैं उनकी जानकारी लेना, जैसे इल्ड मॉनिटरिंग यानी उपज मानचित्र। उपज मानचित्रण में यही है भी उस क्षेत्र की उपज का पूर्वानुमान लगाना। अब इसमें हमें छोटा सा टॉपिक है जैसे क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन है, यील्ड मॉनिटरिंग है या सोइल मैपिंग है, तो इस तरीके के छोटे छोटे टॉपिक है, इनमें इतना ही ध्यान रखना है भी किस तरीके से उपज मानचित्रण किया जाता है यानी किस तरीके की उपज का पूर्वानुमान लगाया जाता है और उसकी हम किस तरीके से मैपिंग करते हैं या किस तरीके से उनकी जानकारियां करते हैं। तो इसका जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है वैसे इसका सारा सिस्टम क्या स्टोरेज बेस पर होता है या टेक्निकल डिवाइस के आधारित पर होता है, और उन्हीं टेक्निकल डिवाइस से अपन यील्ड मॉनिटरिंग करते हैं, क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उन सब का प्रिसीजन एग्रीकल्चर में यूज़ करते अपन जानकारी लेते हैं। तो जैसे उपज मानचित्रण, उपज की निगरानी है उसका मानचित्रण परिशुद्ध खेती में एक कदम है जो कि परिशुद्ध खेती को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले चरण के रूप में अनुशासित किया जाता है, और किल के अनुसार 1996 में खेत की उत्पादकता का आकलन करने के लिए या इसका बेहतर प्रबंधन करने के लिए उपज को निगरानी सबसे अच्छा तरीका है, यानी उपज निगरानी का या उपज निगरानी करना सबसे सीधा तरीका है। यानी किसी जो भी क्षेत्र है हमारा, हमने फसलें बोई है तो उस क्षेत्र में हमने फसलें बोई है तो उस फसल के यानी कि कितनी हमें उपज मिलेगी, उस क्षेत्र के में कितनी प्रबंधन की आवश्यकता है, यानी कौन कौन सी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वह हमें करनी है, इन सब कुछ एक क्या है टेक्निकल जो प्रोसेस होती है, जो टेक्निकल प्रैक्टिसेज हमारी होती है, इन सब के में जानकारी लेना आवश्यक होता है। और इन सब जानकारियाँ हम कैसे ले सकते हैं, यील्ड मॉनिटरिंग द्वारा यानी उपज मानचित्रण द्वारा, यानी इस क्षेत्र की इतनी उपज होगी जैसे पर हेक्टेयर में, या इस क्षेत्र में इतनी ग्रोथ हो रही है, इतनी डेवलपमेंट हो रहा है प्लांट, और अनेक सारी बहुत सारी जानकारी आती है जो क्या उपज से संबंधित होती है, और इन सबको अपने या क्रॉप मेच्योरिटी यानी फसल पकाओ की अवस्था की जानकारी है, या फसल कितनी स्टेज में किया कितने दिनों के बाद पकेगी, या उसमें अपन मॉइस्चर जैसे अपन ये भी ना सकते हैं भी फसल में कितनी नमी है, या अपन जो ग्रेन स्टोरेज कर रहे हैं उनमें कितनी नमी है, तो इस तरीके जो सभी जानकारियाँ होती है वह क्या हमें इल्ड स्टोरेज में यानी सॉरी इल्ड मॉनिटरिंग में मिलती है। उसके बाद में जैसे इल्ड मॉनिटरिंग, उपज मॉनिटर कई घटकों का एक संयोजन है जो आमतौर पर कई अलग अलग सेंसर व अनेक घटकों समूह है, यानी एक सेंसर तकनीक है, और इन सेंसर तकनीकों का यूज़ करते हुए हमें क्या ऐसी जानकारियाँ लेते हैं जिसमें एक डाटा स्टोरेज डिवाइस, मैंने कहा था भी एक पूरा स्टोरेज डिवाइस होता है, और इसी जो डाटा कलेक्शन का जो डाटा कलेक्ट करते हैं फिर स्टोरेज करते हैं, इन सब पर क्या ये पूरी की क्या है एग्रीकल्चर है जो आधारित होती है, या डिस्प्ले या कीपैड या संयुक्त फ्रेम में स्थित एक टक्स कंप्यूटर होता है जो इन घटकों को एकीकरण या संप्रेक यानी कि उनका पूरा जो लीडरशिप है कंप्यूटर के अंतर्गत होती है, उनमें सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, उन्हीं में स्टोरेज किया जाता है, उन्हीं में इसका एनालिसिस करते हैं फिर उसका इवेल्यूशन करते हैं, तो ये जो सब प्रोसेसिंग होती है वह क्या एक कंप्यूटर आधारित टेक्नोलॉजी पर होती है। उसके बाद में उपज मॉनिटर कई कटाई उपकरणों पर संस्थापित किए जाते हैं, अनाज जैसे मक्का गेहूं सोयाबीन या कपास विभिन्न फसलों के लिए उपलब्ध है, पैदावार मापने के अलावा ये प्रणाली अक्सर फसल की कटाई के दौरान अन्य उपयोगी सुविधाएं प्रदान करती है जैसे अनाज की नमी यानी नमी को मापने के भी काम आता है, या उनमें अपन हार्वेस्टिंग यानी कटाई करते करते उनके जैसे अनाज जैसे इन कपास की विभिन्न फसलों की कटाई की या पैदावार मापने की यानी जब कटाई करते हैं तो कितनी पैदावार होगी, या फसल है जो कितनी ग्रोथ की है उसका अनुमानित जो ग्रोथ जो ग्राफ है वह कितना है, उसके अनुसार हमें क्या है यह है उपज के बारे में बता देता है भी इतनी अनुमानित आपकी उपज होगी, और उपज के साथ साथ आपके जो आपने जो ग्रेन स्टोर जो ग्रेन अलग किया है यानी जो दाना निकाला है उस दाने में इतनी नमी की मात्रा है,
तो इस तरीके से इसमें एक ये टेक्निक होती है। उसके बाद में अनाज की नमी की मात्रा को एकत्रित करना या उपज डेटा को आमतौर पर एक स्टोरेज डिवाइस जैसे डाटा स्टोरेज कार्ड या यूएसबी ड्राइव में रिकॉर्ड किया जा सकता है। और जिसे अब क्या है, ये जब डाटा हमारे रिकॉर्ड हो जाते हैं, पूरी क्रॉप के डाटा रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, तो जो आगामी हमारी फसल होती है उनमें अपन इसको यूज कर सकते हैं। यानी हमारी कुछ जो कमियाँ रह जाती है तो आगामी आने वाली जो हम क्रॉप लेते हैं उसमें क्या है, अपन इस डाटाओं का यूज करके अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मानचित्रण का प्रयोग करके किसान साल दर साल अपनी उपज का मूल्यांकन कर सकता है। उसके उपज निगरानी के परंपरागत तरीके, यानी जो पहले अपन यील्ड मॉनिटरिंग करते थे उसके जो ट्रेडिशनल तरीके थे वह अलग थे, उसमें अलग अलग तरीके आते थे। कई बार फसल की जैसे अपन ग्रोथ वगैरह देखकर या सीधे पूर्व अनुमान लगा देते भी जब फसल हमारी अच्छी ग्रोथ हो रही है तो इतना सा उपज होगा, लेकिन ये नहीं है। ग्रोथ हो रही है, हो सकता है ऐसी, या उसमें कोई मॉइस्चर ना हो, हो सकता है उसमें इरीगेशन ना मिले, तो इस तरीके की उसको न्यूट्रिएंट ना मिले, तो क्या है हमारी जो क्या है ये जो पूर्व जो अनुमान है या परंपरागत तरीके हैं यह गलत साबित हो जाते थे। इसलिए एक स्टिक रूप से जानकारी के लिए यील्ड मॉनिटरिंग का यूज़ किया गया, यानी एक उपज मानचित्रण यानी मैपिंग के आधार पर उस पूरी फसल को या उनके डाटा कलेक्ट करके उसमें क्या डिवाइस लगी होती है, कोई भी जब कार्य करता है तो उसमें एक डिवाइस लगी रहती है, उसमें पूरा का पूरा डाटा आता है। जैसे उसमें कितनी मॉइस्चर है, कितनी उसकी ह्यूमिडिटी है, या कितनी उसमें रेनफॉल के अंतर्गत है यानी उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, या उसमें अपने जो अनेक तरीके की जो जानकारी होती है, वायुदाब एयर प्रेशर कितना है, तो ये सब की क्या जो जानकारी होती है वह उस डिवाइस में एक लगी रहती है, एक कंप्यूटराइज डिवाइस होती है। तो इस तरीके की सारी जानकारियाँ में क्या है यील्ड मॉनिटरिंग में मिलती है। इसके बाद वंचित फसल क्षेत्र के आकलन फसल उपज मूल्यांकन के लिए अग्रणी है। अधिकांश विकसित देशों में आवश्यक डाटा आमतौर पर किसी उचित निर्णय लेने के लिए बहुत देर से उपलब्ध होता है और उद्देश्य सुसंगत व संभवतः सस्ती या तेज विधियों जिनका उपयोग फसल वृद्धि की निगरानी के लिए किया जा सकता है। फसल को उपज का प्रारंभिक अनुमान आवश्यक है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से लिए गए डाटा में वैश्विक स्तर के स्थानिक जानकारी प्रदर्शित करने की संभावना होती है, यानी हमारी जो रिमोट सेंसिंग टेक्निक होती है वह कितने भी बड़े क्षेत्र में क्या इसके डाटा कलेक्ट कर सकती है और एक स्टिक डाटा कलेक्ट करती है। यानी कि मैंने आपको बताया भी रिमोट सेंसिंग टेक्निक है वह क्या है, एक रिफ्लेक्टनेस पर आधारित होती है, यानी परावर्तन पर भी कितने क्या है जो अपनी रेज है, जो लाइट रेज है वो कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, उन सब का डाटा क्या स्टोरेज कर लिया जाता है और फिर एक सिग्नल के माध्यम से इसे क्या रिमोट स्टेशन में भेज दिया जाता है और वहाँ इसका एवल्यूशन या जो एनालिसिस करके अपने को वो डाटा दिया जाता है या उसको उसमें पूरा आता है, पूरी इसकी जानकारियाँ हमें मिल जाती है भी किस क्षेत्र में किस तरीके की जो परिस्थितियाँ हैं। तो इन सब का जैसे अपन इसमें कई प्रौद्योगिकी है, जैसे फसल सूची के लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न जो टेक्नोलॉजी होती है उनके जैसे हवाई चित्रण यानी एरियल फोटोग्राफी होती है या एक टेरिस्ट्रियल फोटोग्राफी होती है। उन दोनों में क्या होता है कि एरियल फोटोग्राफी है जो क्या है अपन हवाई चित्रण होते हैं, फसल की उपज की जानकारी प्राप्त करने किसी को रंग पैटर्न बनावट या अन्य जो विशेषताएं होती है उनको पहचानने में सक्षम होनी चाहिए, या फसल उपज की जानकारी का प्रयोग या फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल क्षेत्र के आंकड़ों के साथ संयोजन के रूप में किया जाता है। और उपज निर्धारण के लिए अलग अलग पहलू है, जैसे पौधे या फसलों को विशेषताओं के आधार पर उपज का पूर्व अनुमान लगाना या पूर्व वर्षों में अनुभव के आधार पर संबंध, यानी हमारे जो प्लांट्स है मैंने आपको बताया था कि एक पूर्व अना जब इनकी पूर्व अनुमान लगा लेते हैं भी ग्रोथ अच्छी हो रही है तो उपज अच्छी होगी, या फिर जैसे पिछले साल इस टाइम इसमें लगभग अपने एक अपने अनुभव के या एक्सपीरियंस के आधार पर अपन याद रख लेते हैं भी इस क्षेत्र में यह फसल थी और उस क्षेत्र में हमारी यह फसल की इतनी बढ़वार थी और इतनी उपज हुई थी। उसी प्रकार से इस साल भी अपन ऐसे लगा लेते हैं भी अब की बार इतनी बढ़वार है और हमारी इतनी उपज होगी या इतनी इसमें फ्लोरिंग हुई है, इसमें इतनी मेच्योरिटी आई है, तो ये सब क्या चीज़ें क्या है पूर्व अनुमान पर आधारित होती थी। उसके बाद में वर्तमान वर्ष के लिए फसल के वास्तविक वजन से ज्ञात उपज का अनुमान लगाते हैं, या जो प्रेजेंट टाइम में अपन क्या इसकी जो पर यूनिट जो प्रोडक्शन होती है या वास्तविक जो उपज होती है उनका अनुमान लगा लेते हैं। उसके बाद में भी इसमें कहा गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभिन्न शोधकर्ताएं कृषि या फसल सूची के लिए संसाधनों के अनुकूलित उपयोग के लिए हवाई चित्रण की उभरती अवधारणा का उपयोग करते हैं।
काले या सफ़ेद चित्रण का प्रयोग करना फसल पहचान के लिए किया जाता है। उसके बाद दूसरा आता है अपना मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर। जो स्पेक्ट्रल स्कैनर्स होता है, यह क्या होता है कि जैसे एक तरीके से यह ग्रेडिंग का कार्य करता है, यानी उसको पहचानने या मेन इसका जो कार्य है वह के आइडेंटिफाई करना, यानी उसी चीज़ को पहचानना। जैसे अपन अनाज के जैसे दाने, यानी उसके अंतर्गत क्या है भी एक कंप्यूटर प्रारूप में मल्टी स्पेक्ट्रल डाटा का उपयोग करके अनाज को अन्य कृषि फसलों से अलग करना, यानी ग्रेडिंग करना, या उसको आइडेंटिफाई करके कोई भी जैसे अपन क्रॉप मिक्सिंग है तो उसमें क्या है अनाज के दानों को अलग करना या उसको पहचानना या पहचान कर उसको एक अलग रखना। तो इस तरीके की जो या प्रजातियों की पहचान करना इसका एक महत्वपूर्ण पहलू होता है जो मल्टी स्पेक्ट्रल होता है। उसमें उसके बाद आता है रडार। रडार क्या है? रडार क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी है। क्या है रडार? तो एक इसका संक्षिप्त वर्ड है, यानी इसको संक्षेप में रडार कहा जाता है। और रडार को वैसे क्या कहा जाता है? रेडियो डिटेक्टिनेशन एंड रेंजिंग, यानी यह एक रेडियो डिटेक्टिनेशन एंड रेंजिंग टेक्निक है जिनका यूज क्या है फसल के जो यील्ड मॉनिटरिंग में किया जाता है। रडार के अध्ययनों से कई फसलों के बीच में मौसमी बदलाव, इसका जो मुख्य कार्य होता है वह होता है जो क्लाइमेट चेंज की परिस्थितियां होती है, कई बार भी अचानक वातावरण बदलता है या मौसम में कोई परिवर्तन आता है तो उनके बारे में हमें पहले सूचना दी जाती है। इनका जो मुख्य रूप से रडार का जो उपयोग है वह कहाँ किया जाता है? मेट्रोलॉजी में, यानी कि जो मौसम वैज्ञानिक जो वेधशालाएँ होती है या जो अपने जो क्लाइमेट डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर क्या है रडार का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। इनके अंतर्गत क्या होता है कि यह विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं मौसम में, कभी बारिश होना या अचानक जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाना या टेम्परेचर बढ़ जाना, तो इस तरीके की जो क्या है या तेज़ हवाएं, तो ये सब जानकारियां क्या हमें रडार के द्वारा प्राप्त होती है और उस मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अपन क्या है उसमें मैनेजमेंट कर लेते हैं। यानी मौसमी बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया है या अन्य कई चरों को सबसे सरल निष्कर्ष बनाने पर किया जाता है। उसके बाद आता है उपग्रह डाटा, यानी सैटेलाइट डाटा। सैटेलाइट डाटा क्या होता है? फसल क्षेत्र और उपज के लिए आकलन मॉडल का लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है और कई अच्छी गुणवत्ता वाले मॉडल विकसित किए जाते हैं। यानी इनसे क्या है कि फसल क्षेत्र या उपज के लिए जो एक मॉडलिंग सिस्टम होता है उसमें अलग अलग उसकी क्या है मैपिंग कर ली जाती है या उनके डाटा कलेक्ट कर लिए जाते हैं और कई सालों तक इसके डाटा कलेक्ट करते रहते हैं और बाद में इन डाटाओं का अच्छी तरीके से एनालिसिस करके या एवोल्यूशन करके एक तरीके से क्रॉप मॉडलिंग तैयार की जाती है, एक फसल मॉडल तैयार किया जाता है। भी इस क्षेत्र में इस तरीके की जो क्रॉप कल्टीवेशन है, जो क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज है वह सही रहती है और इन डाटाओं का यूज एक अच्छी उपज जो यील्ड मॉनिटरिंग में सहायक सिद्ध हुआ है। या इन पारंपरिक मॉडलों को मुख्य रूप से मौसम विज्ञान या जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से संदूर संवेदन के बिना निश्चित किया गया है और ये आज के समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। या कृषि विकास के लिए रिमोट सेंसिंग डाटा का उपयोग 1971 में मक्का ब्लाइट वॉच यानी कॉर्न ब्लाइट वॉच इन एक्सपेरिमेंट के तहत संयुक्त राज्य यानी यूएसए में किया गया था। या उसके बाद में ये जो रिमोट सेंसिंग डाटा होते हैं वो स्टिक डाटा है, तो इन डाटाओं का यूज आज जो प्रेजेंटली तौर पर जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है उसमें सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। और इसके बाद फसल विकास की निगरानी के लिए मॉडल के विकास पर विस्तृत जानकारी देने या उसकी तर्कपूर्ण जानकारी प्रदान करने में रिमोट सेंसिंग डाटा प्रभावी साबित हुआ है। भारत में रिमोट सेंसिंग गतिविधियों में उल्लेखनीय तेजी वर्ष 1988 में IES यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट फर्स्ट ए के शुभारम्भ के द्वारा यानी फर्स्ट ए के शुभारम्भ के साथ हुई और भारत ने प्रासंगिकता के विशेष क्षेत्र को समर्पित विभिन्न उपग्रहों को लॉन्च किया जैसे रिसोर्स सेट या कार्टोसेट या ओशियन सेट। इस तरीके के क्या है कई तरीके के सैटेलाइट यूज किए गए जो क्या है ये जो सैटेलाइट है ये आज जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है उसमें सबसे स्टिक साबित हो रहे हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में इसको क्या है यूज किया जा रहा है और इनसे क्या है एक स्टिक यानी एग्जिट इसकी सूचना मिलती है यानी स्टिक जानकारी से अपन लेते हैं इन सैटेलाइट के द्वारा। या एग्रीकल्चर का जितने सिस्टम है उसमें वहाँ पर क्या है सैटेलाइट है
उपयोग किए जा रहे हैं। उसके बाद में संदूर संवेदन पर आधारित विभिन्न सूचकांकों को कई प्रकार की फसलों की उपज का अनुमान लगाने में किया गया है और चावल की उपज का अनुमान लगाने के लिए सामान्यकृत, जैसे मैंने आपको NDVI सिस्टम बताया था, अभी नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स NDVI का उपयोग किया गया है। और हालांकि संदूर संवेदन के साथ उपज का अनुमान मुख्य रूप से NDVI या बायोमास के बीच संबंध की अप्रत्यक्ष उपज के कारण होता है, परंतु सेंसर स्थानिक रिजुलेशन या अपर्याप्त दोहरे कवरेज के कारण होता है। तकनीकी विकास के वर्तमान चरण ने रिमोट सेंसिंग GIS GPS के एकीकरण को बढ़ाया और रिमोट सेंसिंग शोधकर्ताओं या अनुप्रयोग यानी कि इन सब NDVI का यूज किया जाता है वानस्पतिक सूचकांक, यानी कि किसी भी क्षेत्र की कितना जिसका NDVI ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या है क्रॉप अच्छी होती है या जो उसका वेजिटेबल जो क्या वेजिटेशन देखा जाता है भी उस रिफ्लेक्टनेस यानी क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन में हमने पढ़ा था NDVI के बारे में, यानी किसी क्षेत्र का वहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या है या हेल्थी प्लांट ज़्यादा है, और अगर जहाँ पर वेजिटेशन कम है या ब्राउन कलर के प्लांट दिखाई दे रहे हैं या डेड प्लांट दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर क्या है अपने को इल्ड है जो बिल्कुल भी कम मिलेगी, या फिर वहाँ पर क्या है किसी डिजीज का अटैक हो गया या किसी पेस्ट का अटैक हो गया या पर वहाँ पर वीड वगैरह ज़्यादा है। तो इस तरीके के हमें जो कवरेज मिलते हैं सारे वह क्या है NDVI सिस्टम द्वारा, जैसे किसी क्रॉप में जैसे चावल में इसका यूज किया गया या उसके बाद में किसी क्रॉप में यूज किया गया, और इन सब चीज़ों को क्या है जैसे GIS है GPS है रिमोट सेंसिंग है इन टेक्निक के द्वारा इन सब का यूज किया जाता है, और इन्हीं टेक्निक के अंतर्गत ये सब जो NDVI जो प्रोसेस है या जो एग्रीकल्चर की जो यील्ड मॉनिटरिंग की प्रोसेस है इन सब का जानकारी ली जाती है। उसके बाद में वैज्ञानिकों द्वारा उपज अनुमान में सैद्धांतिक या वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण अक्सर उपज का अनुमान लगाने के लिए GIS के समर्थन के साथ बहुत ही उच्च रेजुलेशन उपग्रह मौसम संबंधी डाटा का उपयोग किया जाता है और वे परिशुद्धता में सुधार के लिए रेजुलेशन डाटा पर नमूना उपकरण के रूप में कार्य करते हैं, यानी GIS जो टेक्निक है उनका भी एक तरीके से इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वैसे तो GIS के अंतर्गत ही इन सब टेक्निक्स को यूज किया जा रहा है। GIS के द्वारा हम किसी भी क्षेत्र की क्रॉप मॉडलिंग कर सकते हैं, यानी कि किसी भी क्षेत्र के किसी भी फील्ड के अपन उसके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे GIS का मैं आपको एक उदाहरण बताऊं तो आज जो कोविड 19 है उसमें क्या है GIS का बहुत बड़ा रोल है, यानी GIS का बहुत बड़ा रोल है। GIS के द्वारा किसी क्षेत्र की कोरोना अपडेट यानी कितनी वैक्सीनेशन हुआ है कहां पर वैक्सीनेशन करना है या हमारे जो कोविड जो पेशेंट है उन सब के बारे में क्या है एक स्थानिक डाटा उस क्षेत्र का जो स्थानिक डाटा होता है वह GIS के द्वारा में प्रदान किया जा रहा है। और आज जो सबसे ज़्यादा जो एक टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जा रही है जो कोविड-19 में वह सबसे ज़्यादा GIS टेक्निक यूज किया जा रहता है, यानी कि उसकी मैपिंग के आधार पर उसके स्थानिक डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं जिनका क्या है एक आसानी से कोई भी कार्य करने में जैसे मेडिकल सुविधाएं देने में या वैक्सीनेशन करने में इन सब में क्या है बहुत अच्छा योगदान है। तो इस तरीके क्या है इल्ड मॉनिटरिंग होता है फसल का मानचित्रण, यानी उस फसल की संबंधित सभी जानकारी, यानी कि उस फसल में कितनी उपज प्राप्त होगी या कि कौन कौन से मैनेजमेंट उसमें प्रैक्टिस करनी है या हमें एक स्टिक पूर्व अनुमान जानकारी मिल जाती है, उसके बाद क्या है इसकी इल्ड मॉनिटरिंग करते हैं या अच्छी अपन मैनेजमेंट प्रैक्टिस द्वारा जो प्रबंधन तकनीकें हैं उनके द्वारा अपन क्या है उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा जो इल्ड मॉनिटरिंग टॉपिक है वह कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।